आज एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा आपके सामने करना है, जो नॉर्थ वेस्ट की सीट है जहाँ से गुगन सिंह जी लड़ रहे हैं, वो रिजर्व सीट है, वहाँ से केवल रिजर्व कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया है वो अब रिजर्व कैटेगरी से नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें छुपाई हैं। एक्चुअली वो 20 फरवरी 2014 को वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं और इसकी रिपोर्ट बाकायदा अखबारों में छपी है, आज तक पे भी स्टोरी हुई है, इंडिया टुडे पे स्टोरी हुई है और बहुत सारे अखबारों में इसकी स्टोरी हुई है। और उन्होंने अपना उनका जो नाम कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्ट होने के बाद उनका नाम मोहम्मद यूसुफ के नाम से वो जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि मैंने बेशक से रिलीजन कन्वर्ट किया है लेकिन मैं अपने इंडस्ट्री के अंदर पुराने नाम से ही गाता रहूँगा। तो चूंकि वो कन्वर्ट कर चुके हैं इसलिए वो अब सुरक्षित नहीं रहे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ अब वो ऐसी नहीं रहे, इसलिए ऐसी सीट को चुनाव नहीं कर सकते। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मीडिया के अंदर छपी हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये रिपोर्ट आज तक पे भी छपी है, आज तक पे भी स्टोरी हुई है और इसकी जो स्टोरी इंडिया टुडे पे भी हुई है। इंडिया न्यूज पे भी हुई है, मिरर न्यूज पे भी हुई है, तो कई सारे अखबारों पे, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में ये स्टोरी छपी है। तो इस तरीके से इन्होंने जो ये सच्चाई छुपाई है इसके खिलाफ हमारी जो लीगल टीम है पार्टी की वो कोर्ट में भी पिटीशन मूव करेगी और उनकी जो उम्मीदवारी है वो इलेक्शन कमीशन से रद्द कराने के लिए, कोर्ट से उसे रद्द कराने के लिए हमारी लीगल टीम काम करेगी।